सखावटी डिफेंस एकेडमी चुड़ावा के डिजिटल क्लासरूम में आप सबका वेलकम स्वागत। आज फिजिक्स की क्लास में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक डायमेंशन से रिलेटेड करेंगे। डायमेंशन यानी विमाओं से संबंधित एक विशेष टाइप का क्वेश्चन नेवी एयर फोर्स और बाकी डिफेंस सर्विसेज के लिए पूछा जाता है। टॉपिक है विमीय समांगता का सिद्धांत। इससे रिलेटेड एक विशेष टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। विमीय समांगता का सिद्धांत बेसिकली ये कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है ए और बी। यदि आप उन दोनों को जोड़ रहे हैं या उन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ऐसा तभी हो सकता है जब इन दोनों भौतिक राशियों ए और बी की विमाएं बराबर हों। मतलब कहने का ये हुआ कि ए और बी दो भौतिक राशियां एक दूसरे में तभी जोड़ी या एक दूसरे से तभी घटाई जा सकती है जब उन दोनों की विमा यानी डायमेंशन बराबर हो। यदि आपको कहीं भी दो भौतिक राशियां आपस में जुड़ी हुई नज़र आती हैं या सब्सट्रैक्ट की हुई नज़र आती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों की विमाएँ बराबर होंगी, समान डायमेंशन फॉर्मूला वे दोनों भौतिक राशि कैरी करेगी। इसको अपन ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि अपने पास 10 रुपया है और इसमें हम 10 रुपये की क्वांटिटी जोड़ते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 20 रुपये आता है। अब यहाँ अपन मेन बात करें कि 10 उसकी फिजिकल मैग्नीट्यूड वैल्यू है और ये रुपया उसकी डायमेंशन यानी यूनिट है। इसमें जो दूसरी राशि जोड़ी गई है उसकी यूनिट भी रुपए के बराबर है और आंसर जो हमें मिल रहा है उसकी यूनिट भी उन्हीं दोनों की यूनिट के बराबर है जिनको हमने दोनों को जोड़ा है। तो बेसिकली ए और बी बराबर सी, इस तरह की इक्वेशन यदि अपने को मिले, इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों भौतिक राशियाँ आपस में जुड़ी हैं, मतलब इन दोनों के डायमेंशन समान है और जिसके बराबर ये आ रही है उसकी डायमेंशन भी इन दोनों के बराबर ही होंगी। ये विमीय समांगता का सिद्धांत है। अब हम देखते हैं कि विमीय समांगता के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इसके लिए अपन उठाते हैं एक बेसिक सा क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है f बराबर ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी और हमें ये कहा गया है कि आप यहाँ पर f को जो है वो फोर्स यानी बल कंसीडर करेंगे, x को आप डिस्टेंस यानी दूरी कंसीडर करेंगे और जो t है उसको आप समय यानी टाइम कंसीडर करेंगे। हमें पूछा है कि a, b और c ये जो तीन क्वांटिटीज इक्वेशन में बन रही हैं इन तीनों की डायमेंशन यानी विमीय फॉर्मूला क्या होगा। तो ये क्वेश्चन होगा विमीय समांगता के सिद्धांत से। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि तीन भौतिक राशियाँ जिनमें से ए एक्स बी टी और सी ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं, इसका मतलब इन तीनों की विमा बराबर है और इन तीनों के जोड़ने से जो आंसर हमें मिल रहा है वो फोर्स मिल रहा है। मतलब ये तीनों भी फोर्स रही होंगी तभी इनका आंसर फोर्स के बराबर आ सकता है। इसी इक्वेशन को फॉलो करेंगे, रुपया रुपये में जुड़कर रुपया बनता है, मतलब ये तीनों बल होंगी तभी ये बल बना सकती है। तो यहाँ से अपने को ये जो सॉल्यूशन इसके लिए मिला है वो ये है कि एक्स की जो डायमेंशन है वो फोर्स के बराबर आएगी, बी टी की जो डायमेंशन है वो भी फोर्स के बराबर आएगी और सी की जो डायमेंशन है वो भी फोर्स के बराबर आएगी। यहाँ से हमें ए की डायमेंशन जो मिलेगी वो मिलेगी फोर्स अपॉन एक्स और बी की जो डायमेंशन मिलेगी वो हमें मिलेगी फोर्स अपॉन टी और सी की डायमेंशन डायरेक्ट फोर्स के बराबर
यानी फोर्स की डायमेंशन एम वन एल वन टी माइनस टू, तो इसके बराबर सी की डायमेंशन हो गई। इसी तरह से ए की डायमेंशन को यदि अपन फाइनली कैलकुलेट करें तो ये सिंपली बन जाएगा एम वन एल वन टी माइनस टू फोर्स की डायमेंशन। और नीचे एक्स है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक्स को आपको डिस्टेंस कैरी करना है, डिस्टेंस मानना है, तो उसी हिसाब से अपन इसको लिखें तो डिस्टेंस की डायमेंशन एल हो जाएगी। तो ए की जो फाइनल डायमेंशन अपने पास बनी वो बनेगी एम वन एल ज़ीरो टी माइनस टू, और बी की जो डायमेंशन बनेगी वो ऊपर फोर्स की डायमेंशन है एम वन एल वन टी माइनस टू, और इसमें हमने डिवाइड किया टाइम का, तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी एम वन एल वन टी माइनस थ्री। तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल आंसर इसका आया है वो ए की डायमेंशन ये है, बी की डायमेंशन ये है, और जो सी की डायमेंशन है वो ये है। इसी तरीके से विमीय समांगता के सिद्धांत से अपन दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। मान लीजिए हमें दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ वो दिया हुआ वी इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन सी माइनस टी। हमें यहाँ कहा गया है कि वी को आपको वेग यानी वेलोसिटी कंसीडर करना है, और जो टी है उसको आपको टाइम कंसीडर यानी समय कंसीडर करना है, समय मानना है। और हमसे पूछा हुआ है कि ए बी और सी जो इसमें तीन जो कांस्टेंट आ रहे हैं उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए सीधा सीधा है कि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक तो है ए और एक है पूरा ये पद बी अपॉन सी माइनस टी, ये आपस में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों की बीमा यानी डायमेंशन बराबर होंगी, और ये दोनों मिलकर वेलोसिटी बना रही है, दैट मीन्स ये दोनों भी वेलोसिटी ही रही होंगी। तो यहाँ से अपने पास जो टर्म बन के आता है वो ये आता है कि भाई ए जो है वो वेलोसिटी रहा होगा, और ये पूरा का पूरा जो बी अपॉन सी माइनस टी है ये भी वेलोसिटी रहा होगा। तो यहाँ से ए की डायमेंशन तो डायरेक्ट कैलकुलेट जुड़ जाएगी वेलोसिटी के बराबर, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल वन टी माइनस वन। और यहाँ पर नेक्स्ट जो इक्वेशन अपने पास है जो ये इक्वेशन है, यहाँ पे ये इस इक्वेशन में देखिए इस इक्वेशन में बी अपॉन सी माइनस टी दो चीज़ें हैं बी और सी। इसमें से अपन नीचे वाला टर्म यदि देखें सी माइनस टी वाला टर्म, तो सी माइनस टी यानी सी में से टाइम को घटाया गया है। सी में से टाइम को तभी घटाया जा सकता है जब सी खुद टाइम रहा हो, दैट मीन्स यहाँ पे अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सी जो है वो टाइम रहा होगा यानी समय है। यदि टाइम रहा है तो यहाँ पे इसके डायमेंशन बन जाएगी टी के बराबर। और दूसरा जो यहाँ पर है कि अब अपन तीसरा जो फाइनल कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें देखिए इसी इक्वेशन को अपन दोबारा यहाँ लेके आते हैं, ऊपर तो बी है और नीचे सी माइनस टी, सी में से टी घटकर जो भी आंसर आएगा उसकी डायमेंशन जो है वो टाइम के बराबर ही होगी, टी आएगी, और सामने जो है वो वेलोसिटी है। तो बी की जो डायमेंशन बनेगी वो वेलोसिटी इंटू टाइम बनेंगी। तो वेलोसिटी इंटू टाइम के हिसाब से अपन इसको कैलकुलेट करें तो ये बी वेलोसिटी हो जाएगी एल वन टी माइनस वन, और उसको मल्टीप्लाई हुआ है ये यहाँ टाइम से, तो बी की जो डायमेंशन बनेगी वो एल यानी डिस्टेंस के बराबर बनेगी। तो हमारे पास जो फाइनल तीनों के आंसर हैं वो ये हैं, ये बी का आंसर है, और ये हमारे पास ए का आंसर था, और ये हमारे पास जो है सी का आंसर टाइम के बराबर है। इसी तरीके से डायमेंशन से रिलेटेड हम और एग्जांपल लेते हैं। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, वंडरवाल के समीकरण से रिलेटेड पूछा जाता है। वंडरवाल के समीकरण बेसिकली ये है कि पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ पर यदि ये वांडरवाल के समीकरण एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में ना भी उठाई जाए तो भी ये इसका क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये हम कहेंगे कि वांडरवाल के समीकरण है, इसको मैं यदि चेंज कर लूँ कि ए अपॉन वी क्यूब है या ये वी स्क्वायर माइनस बी है, तो भी ये डायमेंशन से रिलेटेड यहाँ इसके वेरिएशन बनते हैं।
इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि वांडरवाल गैस समीकरण है, वांडरवाल गैस समीकरण है, तो गैस समीकरण में पी जो होता है वो प्रेशर यानी दाब है और वी जो है वो वॉल्यूम यानी आयतन है और जो टी है वो यहाँ पर टेम्परेचर है। तो सबसे पहले देखिए इसमें इसको सॉल्व करने के लिए पहले वाले स्टर्म में हम चेक करें तो पी में जो है वो ए अपॉन वी स्क्वायर जोड़ा गया है, मतलब ये हुआ कि ये तभी जोड़ा जा सकता है जब पी और ए अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन बराबर हो। दूसरा वी में से बी घटाया गया है यानी वॉल्यूम में से बी घटाया गया है, ऐसा तभी हो सकता है जब बी और वी यानी ये दोनों बराबर हो, तो बी जो है वो वॉल्यूम के बराबर आएगा और वॉल्यूम जो होता है उसकी डायमेंशन होती है एल। इस तरह से बी सोल्व हो गया और यहाँ पर ए को सोल्व करने के लिए हमारे पास बनेगा ए इक्वल्स टू पी इंटू वी स्क्वायर। और यदि अपन यहाँ पर फिलहाल मैं प्रेशर की जो डायमेंशन है वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो वैसे यदि इसको अपन सोल्व करें तो ये फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा यदि प्रेशर की डायमेंशन डायरेक्ट ना लिख पा रहे हो तो, और ये वी स्क्वायर। तो ए की डायमेंशन यहाँ को अपन कैलकुलेट करें तो ये बनेगी ऊपर फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी एम वन एल वन टी माइनस टू और नीचे है अपने पास एरिया तो एरिया हो जाएगा एल टू और यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम की जो डायमेंशन होती है वो एल थ्री और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल इसका एल की पावर सिक्स है और इसमें से अपन टू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये फोर बनेगी, फोर और एक फाइव, तो ये बन जाएगा जो इसकी जो ए की जो वीमा बनेगी जो डायमेंशन ए की बनेगी वो बनेगी एम वन एल फाइव टी माइनस टू। तो ये वीमे समांगता से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें दो चीज़ें अपने से कैलकुलेट करवाई थी ए और बी, तो ए और बी यहाँ अपन ये अपने पास कैलकुलेशन है। यहाँ अपन इससे रिलेटेड यदि और क्वेश्चन डायमेंशन से रिलेटेड यदि अपन करें तो यहाँ पे वैसे एक और क्वेश्चन अपन इससे रिलेटेड लिख लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ए साइन ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी, ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी इज ए इक्वेशन ऑफ वेव। हमें ये साथ में कहा गया है कि x को आप डिस्टेंस यानी दूरी कंसिडर करेंगे और t को जो आप है वो टाइम यानी समय कंसिडर करेंगे। हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a, b एंड c। इस इक्वेशन में खास बात यह है कि हमें ये कहा गया है कि ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है ये वेव की इक्वेशन है, तरंग का समीकरण है, लेकिन डायमेंशन हम बेसिकली सबसे इनिशियली पढ़ते हैं, सबसे शुरू में डायमेंशन पढ़ते हैं, उस समय हमें वेव की इक्वेशंस के बारे में नॉलेज नहीं होती 11th में जब अपन इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वेव की इक्वेशन से रिलेटेड या वेव के किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपने को किसी भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको बेसिकली अपन डायमेंशन के मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशंस को हम दोबारा लिखते हैं, इक्वेशन है अपने पास वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी। यहाँ पे साइन के साथ में जो टर्म है ये चाहे किसी भी फॉर्मेट में लिखा हुआ हो ये टर्म वो हो कोण होगा दैट मीन्स थीटा होगा। तो यदि ये थीटा है तो हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी ये जो है वो थीटा है। अब ये जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है ये अपना जो पहला क्वेश्चन हमने किया था डायमेंशन से इससे रिलेटेड उसके इक्विवेलेंट है। तो जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन किया था उससे ये रिलेटेड है, वैसा का वैसा ये क्वेश्चन बन गया।
यहाँ पे तीन चीज़ें जो हैं वो जुड़कर थीटा बना रही है। मतलब पहली बात तो तीनों चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं उसका डायमेंशन जो है वो सेम रहेगा और थीटा के बराबर आएगा। दैट मीन्स ए एक्स की जो डायमेंशन है वो थीटा के बराबर होगी, बी टी के जो डायमेंशन है वो भी थीटा के बराबर होगी, और सी जो डायरेक्टली थीटा के बराबर आ ही रहा है। यहाँ हम ए को जो है वो थीटा अपॉन एक्स से कैलकुलेट करेंगे, बी के डायमेंशन को हम कैलकुलेट करेंगे थीटा अपॉन टी से, और सी थीटा के बराबर है। थीटा यानी कोण जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो हम यहाँ इसको लिख देंगे m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय x और l सॉरी, और यहाँ अपन कैलकुलेट करें तो ये m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t। तो a की डायमेंशन जो हमें यहाँ से मिलेगी वो बनेगी l-1, b की जो डायमेंशन हमें यहाँ इस इक्वेशन से मिलेगी, इस पूरी इक्वेशन से, वो मिलेगी हमें t-1, और सी जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी थीटा के बराबर रहेगा, वो रहेगा m0 l0 t0। यहाँ पे ये जो हमने ए बी सी को कैलकुलेट किया है ये प्रॉपरली ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहा। यहाँ हमें किसी भी वेव के इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए बेसिक और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इसमें अपन क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ए बराबर ए नॉट ई की पावर -α x। वैसे 12वीं क्लास में इस तरह का एक इक्वेशन एग्जैक्टली सेम पढ़ा जाता है, वो हमने क्वेश्चन को डिजाइन करने के लिए चेंज कर लिया मैंने। इक्वेशन होती है n इजिकल्स टू n नॉट e की पावर -λt, ये इसको रदरफोर्ड डी के इक्वेशन बोलते हैं, इसी से रिलेटेड इक्वेशन उठाया हुआ है। हमें दिया हुआ है a इजिकल्स टू a नॉट e की पावर अल्फा x। हमें पूछा है कि यदि अल्फा डिस्टेंस हो, अल्फा यदि डिस्टेंस हो तो अल्फा की डायमेंशन क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें बेसिक देखो ये है, हमें ए और ए नोट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला अपन बेसिक बात करें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ए इजिकल्स टू ए नॉट ई की पावर -α x, ई की पावर -α x इजिकल्स टू ए अपॉन ए नॉट। यहाँ ये ए और ए नॉट, ए नॉट जो है वो ए की इनिशियल वैल्यू, मतलब ये दोनों वैल्यू अलग अलग हो सकती है लेकिन इन दोनों की डायमेंशन सेम है। तो यदि दोनों की सेम डायरेक्शन है तो यहाँ अपन इसको कैलकुलेट करें तो ऊपर सेम डायमेंशन, नीचे भी सेम डायमेंशन रहेगी, तो ये दोनों डायमेंशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस तरीके से अपन बात करें तो ई की पावर -α x जो है वो एक डायमेंशन लेस फॉर्मूला बनेगा और ई खुद कॉन्स्टेंट है वो डायमेंशन लेस होता है, सामने डायमेंशन लेस है इसका मतलब उसकी पावर जो है वो डायमेंशन लेस ही होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने को मिल गया α x इजिकल्स टू m0 l0 t0। यदि अल्फा की यहाँ अपने को डायमेंशन चाहिए तो ये बननी है अपने पास m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय x, दैट मीन्स x डिस्टेंस, तो अल्फा की जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी l-1। यहाँ पे डायरेक्टली भी एक पॉइंट हिट किया जा सकता है, वो ये है कि ई कॉन्स्टेंट है और किसी भी कॉन्स्टेंट की पावर जो है वो डायमेंशन लेस ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 2, फॉर आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 3 को यदि अपन लिखें तो 8 आएगा, लेकिन यदि हम लिखें 2 की पावर 2 सेकेंड, 2 की पावर 2 सेकेंड, इसका कोई आंसर हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जो कॉन्स्टेंट की जो पावर है वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए, तो डायमेंशन लेस पावर होनी चाहिए, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अल्फा एक्स जो है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, और इसी हिसाब से जो है वो हम अल्फा को यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी डायमेंशन हमें मिलेगी l-1। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।